हजरत इमाम शाह दाता सरकार बड़ी दरगाह में 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अंतिम दिन शाही संदल शहर में निकाला गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में काफी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर सुबह और शाम लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। शुक्रवार को उर्स का समापन हो गया। मुल्क व मिल्लत की सलामती, अमन चैन कायम होने तथा तमाम किस्म की आफतों से निजात दिलाने तथा आपसी भाईचारा कायम करने की दुआओं के साथ, पूरे एहतराम के साथ व अकीदत के साथ शुक्रवार को हजरत इमाम शाह दाता सरकार बड़ी दरगाह का 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम से समाप्त हुआ। उर्स की मुख्य रस्में कुरान खानी, गुसल, चादरपोशी, फातिहा शरीफ तथा लंगर का कार्यक्रम अकीदत एवं एहतराम के साथ अदा की गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को अमहिया स्थित बड़ी दरगाह से भव्यता के साथ शाही संदल निकाला गया। शाही संदल में बड़ी दरगाह का तुगरा आकर्षण का केंद्र रहा। ढोल का प्रदर्शन भी हुआ, घोड़ा और रथ भी शामिल हुए। गौरतलब है कि 1 मार्च से 3 दिवसीय उर्स शुरू हुआ तथा 3रे दिन बड़ी दरगाह से शुरू शाही संदल सिरमौर चौराहा, काले चौराहा, प्रकाश चौराहा, छोटी दरगाह से वापस बड़ी दरगाह पहुंचा। शाही संदल का जगह जगह स्वागत किया गया। शुक्रवार को उसके समापन अवसर पर बड़ी दरगाह शरीफ में लोगों की काफी भीड़ रही। यहां पर कव्वाली के साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। देर रात तक लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। प्रस्तुत है इकबाल खान अध्यक्ष बड़ी दरगाह उर्स कमेटी और सलीम मंसूरी उपाध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। बड़ी दरगाह महिया में हजरत इमाम शाह दाता रहमतुल्ला का 257वां उर्स मनाया जा रहा है, जो कि 1 मार्च से शुरू होकर 3 मार्च तक होता था, जो हो रहा है, जिसमें कि बाहर से आते वाले जहरीन का अलग से इंतज़ाम और लोकल जनता की अलग से इंतज़ाम हैं। वो जहरीन आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था मेले के दिन हर एक तरफ से है, लेडीज के दिन, जेंट्स के दिन अलग अलग व्यवस्था है। जो भी बाहर से मुसाफिर आ रहे हैं उनके लिए खाना का लंगर के लिए अलग से व्यवस्था है। और कोई चीज़ के यहाँ तकलीफ नहीं है, क्योंकि लंगर चल रहा है 3 दिन से, पूरा लंगर चल रहा है 3 दिन से, लंगर चल रहा है। शाम में चटनी रोटी फातिया होती है, दाता इमाम साहब के घर पे जो भी आता है वो खाली हाथ जाता नहीं है।